हेलो गाइस, कैसी चल रही है आपकी आईएलटीएस की तैयारी? क्या सोचते हो ईडियम्स के बारे में? अरे बहुत सारे कमेंट्स आ गए मुझे ईडियम्स के बारे में, और फाइनली मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती और जब तक आईएलटीएस में ईडियम्स ना यूज़ करो तो बात नहीं बनती। शायद आपको लगता है कि ऐसा करने से एक पंथ दो काज हो जाएंगे कि आपके बैंड्स भी आ जाएँ और आप इम्प्रेशन भी जमा पाओ एग्जामिनर के सामने, लेकिन गाइस कई बार ऐसा हो जाता है कि बात आपकी ईडियम्स में कहीं और होती है और आपकी टॉक क्वेश्चंस में कुछ और होती है, और शायद बाद में एग्जामिनर आपके बारे में सोचे ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए, इससे ज़्यादा मेरे को ईडियम्स हिंदी में नहीं आते, लेकिन एक सच में बात बताना, मैं आपके साथ हमेशा बात करता हूँ, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूँ इससे क्या लग रहा है आपको? ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, या ऐसे लग रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल है? तो दोस्तों, ईडियम्स आयल्स स्पीकिंग में यूज़ करने हैं या नहीं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं। आयल्स की राइटिंग बहुत एकेडमिक है, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट नो, बहुत स्ट्रांग नो है कि आप ईडियम्स का इस्तेमाल मत कीजिए। ईडियम्स किसी ने बनाए हुए हैं और सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। आयल्स इनक्रेज करती है टू प्रेजेंट योर ओन वर्क। आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन के नीचे बहुत स्ट्रांगली और मोटा मोटा करके लिखा होता है, तो उससे ये क्लियर है कि डो नॉट अप्रिशिएट अदर्स वर्क। किसी और के काम को अपने टास्क में इन्वॉल्व करोगे तो उसका स्कोर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप अपना वर्क प्रेजेंट करो, ना कि किसी और का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, स्पीकिंग कुछ अलग चीज़ है। स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है और बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं है। मैं कहूँ कि आप बिल्कुल सामने उसके सामने मेज पर टांगे जाके रख के बैठ जाओ, यस हाउ आर यू, नो, यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी फॉर्मल मैनर। बट व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज, यू कैन बी लिटल इनफॉर्मल इन योर टॉक्स, और उसमें ईडियम्स के लिए थोड़ी सी जगह बना दी गई है। और इसमें यूज़ करना कुछ ऐसा है, माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनो, जब आप हिंदी में या पंजाबी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप बात करते हो, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आप कितनी बार ईडियम्स का इस्तेमाल करते हो। हमारे दादा बुजुर्ग, मदर फादर की भी बात कर लें, वो भी थोड़े बहुत कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हमें कुछ समझाने के लिए या कुछ पिच करने के लिए। बट हमारी जनरेशन, अगर हम कहें कि हम ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, आई वुड से कि बहुत बहुत कम, बहुत कम परसेंटेज होगी उन लोगों की जो ये बात स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जी हाँ, हम फ्रीक्वेंटली अपनी टॉक में ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी जब आप इंग्लिश में इनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे गाइस, तो साफ पता लगेगा कि इट इज़ आर्टिफिशियल वर्क। अगर ईडियम्स आपको यूज़ करने हैं तो प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, डू नॉट यूज़ ओनली इन द क्यू कार्ड। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पता है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर क्यू कार्ड्स के आंसर ढूंढने के लिए आते हैं, उनको फर्स्ट या थर्ड फॉलोअप्स में इतना कुछ कंसर्न या तो है नहीं है, या उनको लगता है कि उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ज़्यादा सारा फोकस वो क्यू कार्ड के ऊपर करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपकी स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगी जब वो आपको पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, और तब तक चलेगी जब तक वो कहेगा दैट इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट। अब इन बिटवीन आपने कैसी लैंग्वेज उसके साथ यूज़ की, एक सेकंड में पता चलेगा गाइस। पहले क्वेश्चंस में, लास्ट वाले पार्ट में आपसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा और क्यू कार्ड रटा रटाया, ज़बरदस्त तरीके से बोल डाला। सबको एक लेवल पे रख के चलना पड़ेगा। ईडियम्स इस्तेमाल करो अगर ईडियम्स इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो कहाँ पे और कैसे कैसे करने हैं, थ्री आवर का टेस्ट आपको रखने पड़ेंगे, थ्री आवर द टेस्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट में भी कहीं एक आध ईडियम देना पड़ेगा। क्यू कार्ड के लिए आपने अगर याद कर रखे हो तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि वो रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पहले करके जाते हो आप। तो फॉलो अप के लिए भी एक दो ज़रूर रखो, ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि वो जो एक आपने पिक्चर क्यू कार्ड में दिखाई वो कहीं और पर नज़र नहीं आई। यू नो व्हाट आई मीन? सो इन चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा स्पीकिंग में। दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड आई शेयर द आइडियाज़
जो बहुत सिंपल रहते हैं, हर किसी को लगता है वो फॉलो कर सकता है और इसमें नेचुरैलिटी नज़र आती है। अभी मैं आपके साथ थोड़े दिनों में एक क्यू कार्ड शेयर करने वाला हूँ, एस्ट्रोनॉट। जी हाँ, बहुत डिफिकल्ट एक क्यू कार्ड किसी स्टूडेंट को पूछा गया है, एन एस्ट्रोनॉट और एन एस्ट्रोनॉमर, यू नो। तो उसके बारे में मुझे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करके जाएंगे, रोट आंसर्स हैं, 1935 में उसका ये जन्म हुआ, उसने उसके बाद ये किया, किसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, राइट? सो नेवर एवर गो इनटू दोज काइंड ऑफ डिटेल्स एंड नेवर एवर कम अप विद दोज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग एडियम्स जो नेचुरली बाकी की टॉक में नज़र ना आए। सो मैं आपका रमनदीप सिंह आपसे लेता हूँ अभी अलविदा, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट, या स्ट्रांगली तो मैं क्यों कर सकता हूँ, मैं तो जस्ट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप एडियम्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो, जैसे हमारा नवजोत सिंह सिद्धू, आई सल्यूट दिस गाय, उसकी लैंग्वेज, उसकी प्रोफिशिएंसी, माय गुडनेस, वो बातें कम करते हैं, एडियम्स ज़्यादा बोलते हैं। अगर तो वैसे ही कुछ आप में काबिलियत है, आप बहुत कंफर्टेबल हो, एडियम्स यूज़ करो, अदरवाइज अवॉइड देम, जस्ट बी वेरी सिंपल, योर आईएलटीएस स्कोर वुड नॉट बी अफेक्टेड, ट्रस्ट मी, एंड डोंट वरी, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन।